तो मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, देश के प्रति जो कार्य करता है हम लोग उसके साथ रहते हैं। ये जातिवादी व्यवस्था हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम लोग योगी जी और मोदी जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि देश हित में हमारा देश का नाम जो है पूरे विश्व में चल रहा है। वैक्सीनेशन इतना अच्छा हो रहा है, सारे कार्य हो रहा है ना, इसमें ब्राह्मण का कोई ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वोट न दें। 100% ब्राह्मणों का वोट जो है योगी जी को जाएगा। बताइए, ये जो चल रहा है, आप लोग अगले चुनाव में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मैं कृष्णानंद चौबे केदारनगर कॉलोनी से बोल रहा हूँ जी। योगी जी का कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबका साथ सबका विश्वास, ये जो हमारे मोदी जी का नारा है उसको यहाँ अपनाया जा रहा है। सारे लोग जो है सारे अपने भाई बंधु सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। इस पीरियड में कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त हमारा प्रदेश रहा। सारे जाति वर्ग सारे धर्म के सारे लोग हम लोग एक साथ हैं और उनका कार्य बहुत अच्छा रहा। विशेषकर जो रोड निर्माण है 4 लेन 8 लेन 16 लेन ये बहुत अच्छा चल रहा। बहुत मैं बनारस में हूँ, बनारस का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस तरह का बहुत प्रचलित कार्य हो रहा है। रुद्राज सेंटर जो जापान के उससे बनना बहुत अच्छा कार्य है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं पुनः जो है योगी जी को 300+ के वोटों से जिताने का प्रयास करूंगा। सर, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज है वो योगी जी को वोट नहीं देगा, इसमें आप कुछ दम देखते हैं? इसमें कोई सत्यता नहीं है। ब्राह्मण समाज हमेशा देश के प्रति समर्पित रहा है, जो देश की बात करता है उसके साथ रहता है। ये छोटे मोटे बातों पर विचार नहीं करता है कि ब्राह्मण कौन क्या कर रहा है। हम लोग देश के प्रति, मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, देश के प्रति जो कार्य करता है हम लोग उसके साथ रहते हैं। ये जातिवादी व्यवस्था हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम लोग योगी जी और मोदी जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि देश हित में हमारा देश का नाम जो है पूरे विश्व में चल रहा है। वैक्सीनेशन इतना अच्छा हो रहा है, सारे कार्य हो रहा है ना, इसमें ब्राह्मण का कोई ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वोट न दें। 100% ब्राह्मणों का वोट जो है योगी जी को जाएगा। आप बताइए सर, आप लोग बताइए सर, आप लोग किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मैं AK सिन्हा शिवा इनक्लेव वाराणसी से बोल रहा हूँ जी। मोदी जी के आदर्श पे चलते हुए योगी जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं और योगी जी को ही हम लोग पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन एक कमी है जी। वो कमी ये है कि जो भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन की जो ऑर्डर्स होते हैं वो पेपर में और भाषण में तो सुनाई पड़ती है, लेकिन जगह जगह में जो ये करप्शन और ये है, हम लोग आपस में जो ऑफिस वगैरह में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से लेते हैं उस पर अभी कमांड कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। जैसे कचहरी है, पुलिस है, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पैसे लेंगे और नहीं तो परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी योगी जी को कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको दूर किया जाए। तो जो विकल्प है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन पे भरोसा नहीं है कि वो इस काम को कर पाएंगे? विपक्षी पार्टी तो पहले तो गवर्नमेंट ही बना नहीं पाएगी, इसलिए कि उनके पास तो आपस में ही चीफ मिनिस्टर बनने की और इसकी उसकी झगड़ा होती रहेगी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात है, जीतने का तो खैर जैसे अगर एकजुट हो जाते हैं विपक्षी पार्टी, और हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हम लोग वो फिर कास्ट वाइज चले जाते हैं। मान लीजिए हम लोग नॉन विपक्ष के लोग जो हैं, हम सत्तारूढ़ के पार्टी के पक्ष के करने वाले हैं, उसमें भी इतने कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं कि वो भी कोई जाति के बल पर, कोई किसी बल पर, कोई किसी बल पर करता है। इसलिए चांसेस हो सकता है कि हम लोग हार जाएं, लेकिन अगर सबको एकजुट होना चाहिए और योगी जी को जिताना चाहिए। जो विपक्ष ये बोल रहा है कि जो 5 साल में है 5 मुख्यमंत्री होंगे, 20 उपमुख्यमंत्री होंगे, जो ओवैसी और राजभर की पार्टी का गठबंधन हो रहा है, हाँ तो ये तो एकदम उचित नहीं है। वो क्या करेगा लोग एक साल दो साल रह करके? जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं हो और प्रॉपर डिसीजन एक आज डिसाइड करे और 5 साल इम्प्लीमेंट करने में लगता है, 10 साल इम्प्लीमेंट करने में लगता है, वो एक साल में बदलेंगे तो हर बार वो अपने अपने मन से चलाएंगे, तो ये तो सक्सेसफुल नहीं होने की उम्मीद है। तो आपको लगता है कि योगी जी ही ठीक है? योगी जी ठीक है। आप बताइए सर, क्या लगता है कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? जिस हिसाब से भारत में काम हो रहा है जी, और हर चीज़ पर हो रहा है, शिक्षा पर, व्यक्ति निर्माण पर और देश के उत्थान पर, ये काम जो सरकार कर रही है और ये छूट जाएगा तो ये सब लोप हो जाएगा, फिर वही भ्रष्टाचारी वाली चीज़ें होंगी। इसलिए बीजेपी को जितना बहुत ज़रूरी है केंद्र में और राज्य में दोनों में।
दोनों जगह। हाँ, अपने जनता को, राष्ट्र को ऊपर उठाना है, देश को ऊपर उठाना है तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा। नहीं तो जितना काम किया है मोदी ने और नरेंद्र मोदी ने और योगी ने, वो सब मट्टी मिल जाएगा। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री, हाँ जी हाँ, अगला मुख्यमंत्री किसको आप लोग देखना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक अगला मुख्यमंत्री की बात है तो योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है जी। खासकर शासन, सुशासन, माफियाओं पर डंडा और आम आदमी का ध्यान रखना, और इस कोविड काल में जो उनका प्रबंधन रहा है उसका कोई जोड़ नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये लगता है कि योगी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए योगी जी ही बनेंगे। विपक्ष तो आरोप लगा रहे कि कोरोना को ये लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाए हैं। मेरा विपक्ष से एक सीधा सवाल है कि यदि ये किसी को नहीं मालूम था कि एक बैग जो है ऑक्सीजन की कमी होगी जी। अब पिछली बार जो कोरोना हुआ था उसमें लंग्स इफेक्टेड नहीं हो रहे थे, इस बार लंग्स इफेक्टेड हुए थे। बात यह है कि यदि मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग रहते हैं और 10ों की तबीयत एक साथ ख़राब हो जाए, 10ों को एक बार जो है एक साथ डायरिया हो जाए, और घर में अगर एक ही बाथरूम रहे, तो इसका मतलब है कि उसका, उस घर का अभिभावक दोषी, उसने 10 क्यों नहीं बनवाए? तो जो विपक्ष बात कर रहा है वो इसी तरह की बात कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है। योगी जी ने पूरा काम किया और अभी जहाँ तक अभी आप देखेंगे तो हर ज़िले में, हर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। जबकि विपक्ष जो बोल रहा है, खासकर दिल्ली में जो बोला जा रहा है, उन्होंने आज तक एक टैंकर नहीं खरीदा, तो क्या बात करेंगे। इसलिए योगी जी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं यूपी के लिए। ये भी सर सुनने में आ रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसी में कुछ समस्या आ रही है कि योगी जी का जो चेहरा है उसको आगे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी कुछ, मतलब आगे रखते हैं तब आप लोग को ठीक रहेगा कि किसी और को भी बनाए? नहीं, योगी जी को आगे रख के ही लड़ना होगा, क्योंकि योगी जी की नेतृत्व क्षमता काफ़ी अच्छी है। हर तरह के प्रबंध में, कोरोना प्रबंध हो, माफियाओं का प्रबंध हो, सबको उन्होंने ठीक से रखा है। और जहाँ तक विकास की बात है तो आप देखिएगा कि चहुं दिशा विकास हो रहा है, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानी इलाकों में सड़क नहीं बन रही है, कुछ नहीं बन रही, पूरी जगह सड़क बन रही है, हर जगह पानी जा रहा है, सारी सुविधाएं हैं। तो योगी जी को आगे रखना आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आने वाले भविष्य में आगे योगी जी एक राष्ट्रीय चेहरा बन सकते हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश के हैं पर वो एक राष्ट्रीय बड़े नेता बन सकते हैं, इसलिए योगी जी रहेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। जो AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन अवैसी, वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, नहीं तो उप मुख्यमंत्री कम से कम हो। देखिए, ऐसा है ना कि हमारे देश में आज़ादी के बाद इतिहास ही गलत पढ़ा दिया गया है। हमारे देश में हुआ क्या है कि जो हमारे वीर थे, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, ये हिस्ट्री से गायब हैं और बाबर हुमायूं हमारी हिस्ट्री में है। इसलिए ये जो उनकी रगों में खून बढ़ा हुआ है वही वो बकते रहते हैं, इसके अलावा उनको कुछ आता जाता है नहीं। तो जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उनको इस बात का बोध होना चाहिए कि देश में कई राष्ट्रपति भी मुसलमान हो चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। योग्य व्यक्ति होगा और भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती तो हो सकता है योग्य व्यक्ति बना दे किसी को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। योगी जी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। सर, ये जो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट अभी आया है कि DNA हम लोग का सेम है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उसका भी विरोध जो है, जो संघ के समर्थक भी हैं वो भी कर रहे हैं। उसका कोई विरोध ही नहीं होना चाहिए। अगर आप आज से 1000-2000 वर्ष पहले का इतिहास उठा लें, मुगलों से पहले का इतिहास उठा लें, तो आपको DNA सेम मिलेगा। DNA सेम है, वो तो कोई गलत बात बोले ही नहीं है। वो 1% ही लोग ऐसे थे जो ओरिजिनल थे, बाकी कन्वर्टेड हैं। इस देश में अगर आप क्रिश्चियन को देखेंगे तो वो भी कन्वर्टेड हैं, सारे कन्वर्टेड हैं। तो ये कोई विषय का वो बात नहीं है, वो उन्होंने सही वक्तव्य दिया है।